कोई कल्पना कर सकता है कि सरकार $1 trillion की इकॉनमी का सपना देखे और उसी प्रदेश में मां बेटी को जला दिया गया हो, प्रशासन भाग गया हो, जिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी बचाने की, जो अधिकारी मौके पर थे, आखिरकार प्रशासन भाग गया, बुलडोजर चला दिया, मां बेटी जलती रही, न केवल गांव के लोगों ने बल्कि आसपास के लोगों ने, और उस बुजुर्ग पिता ने, पति ने अपने सामने बेटी और पत्नी को जलते देखा। ये सरकार है आपकी, ये वो काम है बुलडोजर का। याद रखिए, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, वो कैसे देखेगा कहां जाना है उसको, चलाने वाले ने किसने फैसला लिया था कि जाओ चला दो। और फिर वो एक और वीडियो वायरल हुआ है, नेता सदन आपकी पुलिस ने उस बेटे को नंगा किया, बताइए सर्दी में नंगा कर दिया। कोई कल्पना कर सकता है क्या, मां बेटी जल रही हो, प्रशासन भाग जाए और प्रशासन से न्याय मांगने जाए तो उसे कपड़े उतरवा दिए जाए सर्दी में। कोई कल्पना कर सकता है इस बात को लेकर के? अगर हम दुनिया में जाएं और आज का जमाना पुराने जमाने से अलग है, एक एक घटना, एक एक चीज जो यहां हो रही है दुनिया के हर कोने में देखी जा सकती है, पहुंचाई जा सकती है, हम आप कितना भी मैनिपुलेट करें, लेकिन आज के समय पर नेता सदन सच्चाई को नहीं छिपा सकते। और मैं आपके जिले की घटना याद दिलाता हूं, अपनी सरकार के समय पर एक पुलिस के अधिकारी ने इसी तरह कुछ गलत काम किया था, मैंने उसको वहीं पर सस्पेंड किया था। आपको कौन रोकता है अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए? मां बेटी गई हैं, ब्राह्मण परिवार के बेटे को आधा नंगा कर दिया, कौन रोक रहा है आपको? रोक कौन रहा है कार्रवाई के लिए? इससे आप न्याय नहीं दिला पाएंगे। और एक घटना नहीं, जीरो टॉलरेंस की मैं दूसरी घटना भी कन्नौज की बता सकता हूं। आप कहते हैं कि दंगा, दंगा की डेफिनेशन देखिए ना, जो आंकड़े आते वो क्या कहते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े, आंकड़ों को दोबारा पढ़िए और सरकार के आंकड़े देखिए क्या है सरकार के आंकड़े। कन्नौज में 10,000 रुपए देकर के एक मुस्लिम नौजवान से आपने मंदिर में मांस रखवा दिया, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, नेता सदन बीजेपी का कार्यकर्ता था, और आपको डीएमएसपी को सस्पेंड करना पड़ा, हटाना पड़ा कि नहीं हटाना पड़ा, बताइए आप कौन लोग थे वो दंगा कराने में? दंगा कराने वाला अध्यक्ष महोदय कोई था तो भारतीय जनता पार्टी का था, और 10,000 रुपए में मंदिर में बीजेपी के कार्यकर्ता ने मंदिर में जानवर का मांस रखवाया। और 17 लोग अगर हम लोग सख्ती नहीं करते, आंदोलन के लेने धमकी देते तो शायद वो कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन घबरा गया और 17 के 17 लोग बीजेपी के कार्यकर्ता जेल गए हैं, वो बीजेपी के लोग हैं। आप कहते हैं सफाई दंगा करते हैं, रायवली में मां की मजदूरी मांगने पर सत्ता संरक्षित दबंगों ने 10वीं के दलित छात्र बिजली केबल से पिटाई की और क्या चटवाया, पैर चटवाए एक दलित के नौजवान के। ये आखिरकार घमंड आ कहां से रहा है, अहंकार कहां से आ रहा है अध्यक्ष महोदय? ये जीरो टॉलरेंस है? एक दलित बच्चे से जूते चटवाएंगे आप? ये जीरो टॉलरेंस है आपकी? कुछ बातचीत हो गई और बातचीत में गोली मार दी जौनपुर में सभासद के, ये जीरो टॉलरेंस है आपकी? गोली मार दी फरार, बातचीत हुई निकाला गोली मार दी, ये है आपका जीरो टॉलरेंस? महुआ में नमस्कार न करने पर दलित को कुल्हाड़ी से मारकर लहूलुहान किया, ये जीरो टॉलरेंस है आपकी? ये कहां से शब्द आपने इजाद किया जीरो टॉलरेंस, कहां से लेके आ गए आप शब्द जीरो टॉलरेंस?
वाराणसी में लेखपाल के